नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल house.com पर। आज मैं आपको यहां पर 200 स्क्वायर यार्ड में 4BHK विला दिखाने आया हूं। लोकेशन हमारी रहने वाली है सेक्टर 125 मोहाली, तो जलवायु टावर के एकदम साथ में रहेगी। एंड इसके लोकेशन के बारे में सबसे अच्छी बात है कि आप देख सकते हो ऑलरेडी ये बसा हुआ है, सारे विलाज ऑलरेडी बने हुए हैं, तो सेम जेंट्री है यहाँ पे, सारे विलाज बने हुए हैं। जो फ्लैट्स हैं इससे काफ़ी दूरी पे बने हुए हैं, प्लस डेवलप्ड लोकेशन है, तो यहाँ पर आप इंस्टेंटली रह भी सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ है मैं आपको रेडी टू मूव इन ऑप्शन दिखाने वाला हूँ। तो जो विला रहेगा वो है हमारा 200 स्क्वायर यार्ड का। अब इसकी एलिवेशन के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं डबल स्टोरी है, बन रखी है, ऊपर आपके टफन ग्लासेस की विंडो रहेगी, प्लस डिजाइनर टाइल से कवर किया हुआ है हमने आपके विला को, बिकॉज इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा टाइम की रहती है। तो ऊपर से स्ट्रिप लाइट के साथ डिजाइनर टाइल्स नीचे तक आती है, एकदम ग्राउंड तक, ग्राउंड से अप टू द रूफ टॉप तक। एंड बाहर की मैं बात करूँ तो ग्रिल वर्क काफ़ी हैवी किया हुआ है, काफ़ी हैवी आयरन वर्क किया हुआ है इसके ऊपर। एंड इस तरफ हमारा गेट रहेगा, गेट हमारा थोड़ा इनकम्प्लीट है अभी, इसकी अभी हमने फिनिशिंग करनी है। तो कार पार्किंग की हम अगर बात करें, आप एक कार पार्क यहाँ पे कर सकते हैं, दूसरी पार्किंग आपकी अंदर रहेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव ह्यूज स्पेस, आपकी इजीली एसयूवी और सिडान कार्स यहाँ पे पार्क हो जाएगी। एंड इसी के साथ ना हमारे राइट साइड और स्पेस मिलती है, आप यहाँ पर प्लांटेशन कराना चाहते हो, प्लांट्स रखना चाहते हो, या फिर इसको हटाकर गार्डन एरिया बनाना चाहते हो, यू कैन डू इट एज वेल। तो यहीं पर हमारा 2000 लीटर से ज्यादा का वाटर टैंक ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें। एंड इस तरफ की मैं बात करूँ तो एंट्री पे ही आपकी जो वॉल है आप देख सकते हो काफी प्यारे डिजाइन शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर इसमें वुडन के स्ट्रिप्स बनाए हुए हैं, अंदर स्ट्रिप लाइट्स भी है, तो आप डेकोरेशन के लिए ये पैनल्स यूज कर सकते हो। जो हमारी स्टेयर ऊपर तक जा रही है इसी के नीचे हमने डोर्स दे दिए, तो सो डेट आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाए, तो आपकी ये एक्स्ट्रा स्टोरेज रहेगी, एक तरह का आप स्टोर रूम मान सकते हो इसे। आइए चलते हैं विला की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास जाली वाला दरवाजा आता है जिसमें काफी अच्छा डिजाइन बना रखा है ग्लास के ऊपर। एंड इसी के बाद हमारा मेन डोर आ जाता है, मेन डोर पे भी आप देख सकते हो काफी प्यारा डिजाइन यहाँ पर बनाया हुआ है, एंड काफी हैवी वुडन इसमें यूज की हुई है। तो आ चुके हैं हम अपने ड्राइंग डाइनिंग के अंदर, इसमें ड्राइंग एरिया सेपरेट रहेगा, डाइनिंग एरिया सेपरेट रहेगा। आप स्पेस एक बार देख सकते हो, यहाँ पर आपका एलईडी पैनल रहने वाला है, अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 8 से 9 फीट बड़ा आपका एलईडी पैनल होगा, और हाइट में भी ये 7 फीट तक रहेगा। तो एलईडी पैनल में हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्ट्रिप लाइट्स दे रखी है ऑपोजिट एल शेप में, सराउंड विद मिरर, मिरर में ग्लास में आपको डिजाइन देखने को मिलता है। इसी के लेफ्ट साइड डेकोरेशन के लिए आपको और स्पेस मिल जाती है, आप देख सकते हो स्ट्रिप लाइट के साथ फॉलो किए हुए हैं, यहाँ पे होलोग्राम्स बने हुए हैं, इसके अंदर आप डेकोरेशन के लिए अपने हिसाब से चीजें रख सकते हो, फैमिली पिक्स रख सकते हो, इट विल लुक टू गुड। एंड इसी के साथ जो पार्टीशन हो रखी है हमारी ड्राइंग और डाइनिंग के बीच में, तो प्रॉपर आप देखो यहाँ पर वुड यूज की हुई है इसके ऊपर। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें जो ग्रीनरी दे रखी है ना, ये ग्रीनरी थीम सिर्फ यहाँ पर नहीं, किचन के साथ भी है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको दिखाता हूँ। आइए चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ, तो एकदम सेपरेट एरिया आ जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हो काफी प्यारी यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है 7 होल्स का। एंड उसी के साथ यहाँ पर स्पेस दी हुई है, बेसिकली यहाँ पर आपका एलईडी पैनल आ जाएगा। एंड ऊपर अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ तो बीच में वुडन आ जाएगी, उसी के साथ स्ट्रिप लाइट्स के साथ फॉलो कर रही है, काफी हैवी डाउन सीलिंग का वर्क किया हुआ है। एंड यहाँ पर हमारे ग्लास है, ग्लास के साथ ही ग्रिल दे रखी है आपकी सेफ्टी के लिए, सो दैट नेचुरल लाइट अंदर तक आ सके, और वेंटिलेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर विंडो भी रहेगी। तो स्पेस की मैं बात करूँ काफी ह्यूज स्पेस रहने वाली है, बिकॉज द एरिया इज 200 स्क्वायर यार्ड। तो ये था ड्राइंग डाइनिंग एरिया, दोनों तरफ आपको सेम डिजाइन देखने को मिलेगा। इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने किचन की तरफ, अब किचन में ये पूरी की पूरी स्पेस आपको फ्रीजर के लिए दी हुई है, इसी के साथ इस तरफ पेंट्री स्पेस रहेगी। एंट्रेंस करने से पहले आप देख सकते हो यहाँ पर तो प्रॉपर आपका ये ना वुडन से कवर किया हुआ है, और इसी के नीचे 4 लाइट्स देखने को मिलती है हमें, जिसके कारण किचन में भी लाइट अच्छी रहेगी। अब किचन में जो जो चीजें लगाई है वो बताने से पहले, ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर ग्लास लगा रखा है अगेन फॉर वेंटिलेशन, ग्रिल फॉर सेफ्टी, एंड वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर प्रॉपर डोर भी दे रखा है, नेचुरल लाइट भी आएगी, वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहेगी यहाँ पे। तो आपकी एज इट इज सेम आपको किचन मिलने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे हाइड्रोलिक डोर्स रहेंगे, एंड इसके नीचे जो पैनल्स दिए हैं काफ़ी ह्यूज पैनल्स हैं, ये सारे के सारे सॉफ्ट टच के साथ होंगे। तो इस तरफ हमारा एकदम अलग से पेंट्री एरिया भी आ जाता है, तो ये आपकी पेंट्री की स्पेस रहने वाली है। तो काफ़ी स्पेशियस किचन बनाई हुई है, प्रॉपर फ्रीजर के लिए आपको अलग से जगह दी है, स्पेस की यहाँ पर कमी नहीं होने वाली। अब सबसे अच्छी चीज़ है इसमें टेम्पल रूम भी है, जी हाँ, आइए आपको मंदिर दिखाता हूँ। मंदिर में एंटर होने से पहले किचन और टेंपल रूम को जो सेपरेट कर रहा है एरिया, आप देख सकते हो यहाँ पे वुडन के स्क्वायर होल्ड लगे हुए हैं, साथ में अगेन ग्रास आ जाती है हमारी आर्टिफिशियल, जिसके कारण लुक काफी अच्छा आ रहा है।
अब टेम्पल रूम के लिए मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 9 फीट लंबी जगह दे रखी है, यहाँ पर इजीली आप अपना पूजा रूम बना सकते हो एंड इसमें आप सामान रख सकते हो पूजा करने वाला। इसके नीचे और स्टोरेज दी है, आपकी फैमिली यहाँ बैठ के इजीली पूजा कर सकती है। तो जो पूजा रूम है ये किचन के साथ अटैच ही रहेगा एक तरफ से, एंड इसी के राइट साइड आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। अगेन अब यहाँ के डोर्स की भी मैं बात करूँ तो एज इट इज सेम जैसे हमारे मेन डोर है उतनी ही हाइट रहेगी, एज इट इज सेम डिजाइन रहेगा इसका। अब यहाँ पर यूनिक चीज क्या आती है, आप देखो वॉलपेपर एकदम रॉयल वॉलपेपर लगा रखे हैं, क्लासिक डिजाइन है, उसी के ऊपर हमें देखने को मिलता है वुडन्स के साथ ना डिजाइन दिए हुए हैं जैसे जैपनीज आर्किटेक्चर में होते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं जो जैपनीज हाउस होल्ड होते हैं उनमें ये चीजें देखने को मिलती है, तो उस कल्चर को रिगार्डिंग काफी अच्छी चीज दे रखी है। एंड यहाँ पर हमारे आ जाते हैं वार्डरोब, वार्डरोब आपके रहेंगे अप टू द रूफ टॉप तक, ये 2-in-1 का सेट रहेगा बेसिकली, यहाँ पर ड्रेसिंग इसके साथ अटैच रहेगी। इस तरफ आ जाती है आपकी एलईडी पैनल, आप देख सकते हो पहले तो काफी ह्यूज स्पेस दी है एलईडी पैनल के लिए और काफी हैवी वर्क किया हुआ है, यहीं पर हमें 2 अलग से पैनल देखने को मिलते हैं फॉर डेकोरेशन पर्पस। इसी के साथ चलते हैं हम अपने फर्स्ट वॉशरूम में, तो आ चुके हैं हम अपने फर्स्ट वॉशरूम में। यहाँ पे हमें ब्लैक कलर की टाइल्स देखने को मिलती है, सैनिटरी जो इसमें हम लगाने वाले हैं वो सारी की सारी जैगुआर की रहेगी, तो वॉशरूम की स्पेस काफी अच्छी है। अब ये जो रूम है इसी के साथ हमारा वॉशिंग एरिया अटैच रहेगा, मैं आपको एक बार स्पेस दिखा देता हूँ वॉशिंग एरिया की। तो इस तरफ आपका वॉशिंग एरिया रहेगा, इजीली आपकी वॉशिंग मशीन साथ में अटैच हो जाएगी, प्लग इन टैप दोनों चीजों की फैसिलिटी यहाँ पे दी हुई है। दूसरे रूम के साथ भी यहीं से अप्रोच दी है, बट फर्स्ट बेडरूम की तरफ से चलते हैं। तो ये आ चुके हैं हम अपने सेकेंड रूम में और ये मास्टर बेडरूम भी रहने वाला है। अब इसमें भी देखिए डिजाइन कितना प्यारा चूज किया है, अगेन हमारे पास काफी आर्टिस्टिक चॉइस का वॉलपेपर आ जाता है, अगेन हमारे पास वुडन में डिजाइन आ जाता है और फॉल सीलिंग एक बार देखिए, फॉल सीलिंग का डिजाइन काफी प्यारा किया हुआ है। वार्डरोब की स्पेस को तो आपको स्टोरेज की कमी नहीं होने वाली, यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 फीट की स्पेस वार्डरोब ने ले रखी है, अप टू द रूफटॉप तक आपके वार्डरोब रहेंगे एंड इसकी स्पेस भी काफी अच्छी है। इसी के साथ हमारा आ जाता है एलईडी पैनल, एलईडी पैनल में अब हमें एक अलग डिजाइन देखने को मिल रहा है जिसमें स्टोरेज के लिए हमें ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपकी एलईडी रहेगी, यहाँ पर आप कुछ पिक्स लगाना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं वाइस वर्सा। एंड इसी के साथ इसका आ जाता है सेकंड वॉशरूम, अगेन स्पेस आप देख सकते हो काफी अच्छी है, इसमें जो टाइल्स रहेगी काफी यूनिक डिजाइन दिया हुआ है, लाइट थीम एंड डार्क थीम दोनों का मिक्सचर दिया हुआ है। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो आ चुके हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे। अब होता क्या है आमतौर पे ना ऐसे विलास में जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं उसमें काफी हैवी वर्क होता है, फर्स्ट फ्लोर जो होते हैं थोड़े सिंपल रहते हैं, बट ये वाला जो फर्स्ट फ्लोर है इसमें भी अगेन जैसे ग्राउंड फ्लोर पे वर्क है काफी हैवी वर्क हो रखा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, काफी अट्रैक्टिव चीज बनाई हुई है। अब यहाँ पे आपकी फर्स्ट फ्लोर पे आते ही ये बालकनी स्पेस आ जाएगी फॉलो बाय टफन ग्लास, एंड यहाँ पर आपका लॉबी एरिया आ जाएगा जो कि अगर मैं बात करूँ तो 7 फीट वाइड है, तो 7 फीट वाइड आपका लॉबी एरिया आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए। अब यहाँ पर भी देखो एज इट इज सेम डोर दिए हैं जो आपको नीचे दिए थे, सेम टू सेम डिजाइन है, किसी चीज में क्वालिटी में या डिजाइन में कमी नहीं है। आ चुके हैं हम फर्स्ट फ्लोर के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड हमारा किचन एरिया रहेगा, किचन जैसा मैंने आपको नीचे बताया एज इट इज सेम है, बस चेंज क्या हुआ नीचे हमारे पास वुडन पैनल ज्यादा था पूरा कवर करके रखा था, यहाँ पर हमें स्टोरेज के लिए अलग से जगह दे दी, डेकोरेशन के लिए अलग से जगह दे दी। तो इसी के साथ फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हो एज इट इज सेम रहने वाला है एंड वॉलपेपर भी काफी यूनिक लगाया हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एलईडी पैनल की तो आपका ऑलमोस्ट 8 to 9 feet बड़ा एलईडी पैनल रहेगा जिसमें डिजाइन के लिए और स्टोरेज के लिए अलग से ऑप्शन दे रखे हैं। अब सबसे अच्छी चीज है नीचे पूजा रूम बना हुआ है इसमें और इसी के साथ आपके ऑपोजिट यहाँ पर स्टोर रूम भी रहेगा, आइए आपको एक बार स्टोर रूम की स्पेस दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे भी फुल सीलिंग की हुई है, इसे स्टोर रूम बना सकते हो, पूजा रूम बना सकते हो या किसी अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते हो आप। इसी के साथ हमारा रहेगा थर्ड बेडरूम अटैच, यहाँ पे आ चुके हैं हम थर्ड बेडरूम में। अब एंटर करके थर्ड बेडरूम का इस तरफ वॉशरूम रहने वाला है, ब्लू आर्टिक कलर की टाइल्स दी हुई है लाइट थीम टाइल के साथ, एंड इसी के साथ हमारे वार्डरोब भी एज इट इज सेम आपको मिलने वाले, बेसिकली जो चीजें आप देख रहे हो ये एक्चुअल की यूनिट है, एज इट इज सेम आपको मिलने वाली है, अगेन रॉयल वॉलपेपर करवा रखे हैं आपकी पूरी वॉल पे, क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। एंड इसमें एलईडी पैनल में भी हमें काफी प्यारा डिजाइन देखने को मिल रहा है विद 2 ट्रायंगल्स एंड स्टोरेज के लिए नीचे से यूनिट दे रखी है। फॉल सीलिंग भी इसमें आपकी एज इट इज सेम रहने वाली है, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी हमें ग्लास और विंडो देखने को मिलती है सो दैट नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन दोनों चीजें रहें। आइए चलते हैं फोर्थ बेडरूम की तरफ। तो आ चुके हैं हम फोर्थ बेडरूम के अंदर,
अब फोर्थ बेडरूम में क्या रहेगा, अगेन वॉलपेपर की चॉइस काफी अच्छी रहने वाली है आपके घर में। आप वॉलपेपर देखोगे तो गोल्डन एंड ग्रे का मिक्सचर बहुत प्यारा किया हुआ है। फोल सीलिंग आपकी एज इट इज सेम रहेगी। और वार्ड्रोब की अगर मैं बात करूं तो वार्ड्रोब में भी हमें काफी प्यारा डिजाइन दिख रहा है डार्क वुडन एंड लाइट वुडन थीम के साथ। इसी के साथ आपका ड्रेसिंग एरिया रहेगा, ड्रेसिंग एरिया स्टोरेज भी अलग से दे रखी है। एंड एलईडी पैनल में हमें सेम नीचे जैसा डिजाइन देखने को मिलता है जिसमें 3 स्क्वायर बॉक्स मिल रहे हैं आपको। नीचे स्टोरेज के लिए अलग से ऑप्शन रहेगा एंड इसी के साथ हमारा वॉशरूम अटैच रहेगा। तो ऊपर बेसिकली प्रॉपर 2 रूम बने हुए हैं, ड्राइंग एरिया बना हुआ है, किचन बना हुआ है। उसी के साथ आपको एक चीज मिसिंग है वो भी यहां पर मिलेगी जो कि आपकी ओपन रूफ। तो ये आपकी ओपन रूफ रहने वाली है। इवनिंग के टाइम आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। इनकेस आपको एक और कमरे की जरूरत है तो इसे भी आप कमरे में तब्दील कर सकते हो। यहाँ पर ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन अलाउड है। तो ये था दोस्तों हमारा 200 गज में बना हुआ 4 BHK विला। एंड अगेन सबसे अच्छी चीज है कि इसकी जो सराउंडिंग है ऑलरेडी डेवलप्ड है, काफी अच्छी जेंट्री यहाँ पर है। एंड विले की बात करूँ तो विला भी बहुत प्यारा बन रखा है। अब अगर आपको इसकी एक्चुअल पिक्स देखनी है तो नीचे इंस्टाग्राम हैंडल की मैं लिंक दे दूंगा, हमने इंस्टाग्राम पे सारी पिक्स अपलोड की हुई है, इसी के रिगार्डिंग शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे न्यू लोकेशन के साथ।